अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो नोट कर लें। दो ब्रेड के स्लाइसिस मैंने लिए हैं और इसमें मसालों में सुरख मिर्च है 1 टीस्पून और ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं 1/2 टीस्पून और वेजिटेबल्स में मैंने इसमें मैंने 1/2 शिमला मिर्च, एक छोटे साइज़ का टमाटर, एक छोटे साइज़ का प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और चिकन बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है 125 ग्राम, ओरिगैनो 1 टीस्पून और बटर का यूज़ करूँगी मैं इसमें। बटर आपने डालना है इसमें 2 टेबल स्पून और ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में आप बना सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस 3 टेबल स्पून मैंने इसमें यूज़ की है और चीज़ के स्लाइसिस, और इसके अलावा ग्रेट करके डालना चाहें तो वो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं आप। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है, बटर भी डाल सकते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 चिकन जाएगा और इसमें ये ड्राई मसाले जाएंगे। चिकन को हम 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। चिकन बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, अब इसमें ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। ये सारी है सारी वेजिटेबल्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको जस्ट सिर्फ 2 मिनट तक इसको कुक करना है। सब्जियों को हमने गलाना नहीं है, बस इसको हल्का सा इनके अंदर फ्राई करना है 2 मिनट के लिए। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम ब्रेड पे बटर अप्लाई करेंगे। और जिस साइड पे हम बटर लगाएंगे इसको हम नीचे कर देंगे। बटर से ये बहुत क्रिस्पी हो जाता है। बच्चों को तो आप बटर लगा के ही दें, अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं खुद तो फिर आप ऑयल लगा सकते हैं। ये वाली साइड अब मैं नीचे प्लेट में इस तरह रख दूंगी और इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसमें टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया है। चीज़ को मैंने इसके ऊपर ग्रेट कर दिया है, अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। और हम इसके ऊपर फिर से चीज स्लाइसेस रख देंगे। अब हम तवा गरम करके और उसके ऊपर तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तवे को लो फ्लेम पे गरम करें वरना जो स्लाइस हैं वो जल जाएंगे। इसको 5 मिनट के लिए
इसको कवर करते हैं ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। जी ब्रेड पिज़्ज़ा बन चुका है और इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और ओरिगैनो लीव्स। जी हमारा बहुत ही टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है और बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, ज़रूर बनाएं। बहुत मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।